तो बल्लू ही बालवीर है जो मानव और मेहर के साथ रहता है। हाँ वही, तभी तो आता था वो बचाने मानव और मेहर को हमेशा। वाह तौबा तौबा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारी जितनी भी झूठी तारीफ की थी वो सारी झूठी नहीं है। सच? सच परी भयंकर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूँ। ली है कसम, मैंने परी भयंकर अपने प्रधान की कुर्सी की बोलूंगा क्यों मैं झूठ। हो सकता है तुम सच कह रहे हो, मगर मैं तभी मानूंगी जब अपनी आंखों से देख लूंगी। और तौबा तौबा, अगर ये बात गलत निकली तो मैं जिंदगी भर तुम्हें चूहा बनाकर बिल में बंद करके रखूंगी, समझे? अब चलो पृथ्वी लोग चलकर बल्लू से मिलते हैं। नाम भयंकर और बेवकूफिया उससे भी भयंकर। क्या? अरे जाओगी ऐसे ही बालवीर के सामने तो पहचान लेगा वो आपको, फिर नहीं आएगा वो कभी अपने असली रूप में। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ जाएंगे हम रूप बदल कर। कैसा लगा मेरा रूप तौबा तौबा? एकदम बेकार। चले? हाँ चले। चलो चलो सब आ जाओ, मैं तैयार हूँ एकदम फटाफट जल्दी। अरे जल्दी आओ। अरे दादी जल्दी ना। आती आती हूँ, जादू जादू जादू। यस बैठ गए सर। अरे जीजू आप वहाँ खड़े क्या कर रहे, आइए ना इधर। जीजू अगर आप ना आए ना तो देखना फिर। अरे कम से कम अपनी साली का टैलेंट तो देखो। मैं आती हूँ, पहले आपको कस के गले लगाऊंगी फिर घसीटते हुए लेकर आऊंगी। आइए ना। आ रहा हूँ यार मैं। जब भी मेरी बहन आती है आपका मुंह फूल जाता है, थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए ना। इतना ठीक है? इतना थोड़ा सा और। इतना थोड़ा सा। अरे रॉकी बेटा, इन बच्चों को तू यहाँ क्यों लाया है? माँ ये बच्चे भी हम लोग के साथ मिलके ये मैजिक शो देखेंगे, इसलिए हम लोग सब मिलके देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे लोग बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो। चलो बच्चे लोग ताली बजाओ एक बार। अरे बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ बैठो, ट्रेजिक शो शुरू होने वाला है। हाँ सही काम आपने, ट्रेजिक शो ये है। ट्रेजिक नहीं माँ, मैजिक। सेम टू सेम। हाँ हाँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे इस रूप में पहचान लिया है बालवीर, बस एक बार तुम्हें बालवीर में बदलते हुए देख लूं, फिर एक ही वार में तुम्हें समाप्त कर दूंगी। परी भयंकर को है जांचना कि तुम ही हो बालवीर, वरना तो मौका है यही सही करने का तुम्हारा अंत बालवीर, क्योंकि रूप में बल्लू के हो तुम शक्तिहीन, कर नहीं सकते इस्तेमाल अपनी कोई भी शक्ति का। चलिए अब शुरू करते हैं अद्भुत जादू। हाँ
ये देखो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगला जादू देखिए आप। अरे अरे मजा आ रहा है ना? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लेकिन अब मैं ऐसा जादू करने जा रही हूँ जिसको देख के आप सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज तक कभी आपने ऐसा जादू नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। कौन बनेगा मेरा साथी? इससे पहले ये बार की मुझे फंसाए, मैं यहां से खिसक लेता हूं। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे जीजा जी, अभी बताती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो घुटनों के बल चल के मेरे पास आए और मैं कहूँ यस, मुझे मेरा साथी मिल गया। जीजा जी तुम जीत गए, मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी। कितने नॉटी हो, शक्ल से जवान लगते हो, अंदर से तो बच्चे हो। जोरदार तालियां। जीजा जी आप जीत गए। पापा, we are proud of you। हाँ, अब बड़ा मजा आएगा। जोरदार आखिरी बार मेरे जीजा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। रुको रुको रुको। भाई क्यों? आखिरी बार क्यों? अरे आखिरी बार इसलिए जीजा जी कि जब दूसरी बार तालियां बजेगी तब तो जादू हो चुका होगा ना, आप भी ना बस। तो आप तैयार हैं? अरे ये तैयार है, ये तालियां बजाओ। भारती रहने देना, अंदर से आपका पूरा मन कर रहा कर 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 भारती। तो जोरदार तालियां, जादू शुरू करते हैं। चलिए ना जीजा जी। क्यों जीजा जी, मजा आ रहा है ना? ये देख लो, सीधे तो खड़े रहो जीजा जी। अरे भारती ये तूने क्या कर दिया? ए भारती ये क्या किया ये तूने? माँ मेरा धड़ इधर है, मेरे पाँव इधर है, ये क्या कैसे किया ये? भारती दीदी अब वो मोटा भाई ऐसे दो हिस्सों में ऑफिस कैसे जाएंगे? अरे ऑफिस की? अरे बाबा ये जादू है, मैं ठीक कर दूंगी। तुम लोग ऐसे परेशान हो रहे हो। अरे जादू तो ठीक, पहले महेश को ठीक कर। हाँ, हाँ माजी, प्लीज। अरे दादी घबराओ मत, ठीक हो जाएंगे, जादू है। अरे मेरे को तो मेले में जाना था, मैं इधर क्या कर रही हूँ? कौन कौन जाएगा मेले में, बोलो बोलो। हाय राम, ये तो लल्ली बन गई। रोशनीता ये वापस लल्ली बन गई। भारती देख सब बाद में, पहले इन्हें ठीक कर दे। मुझे क्या बताइए कैसे हुए?
चलो ना, बोलो कौन कौन जाएगा मेले में? मेरा चलेंगे, मेरा चलेंगे, मोटा भाई को भी साथ ले लो। अरे बिना पाऊ के पार्टी, चल चल चल, मेला खत्म हो जाएगा। पार्टी? अरे 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 स्मिता भा, अरे भारती भा, स्मिता मुझे ऐसे हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ, 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 बालवीर को बुलाओ जल्दी, बालवीर को। बालवीर, 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 बालवीर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा राज मेरे सामने खुल जाएगा बालवीर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो नाराज तराज, खुश रहो। बताइए आप दोनों हमसे क्यों मिलना चाहती थी? रानी परी, भयंकर परी ने रेतीला दानव बनाकर बच्चों से उनका बचपन छीन कर उनको बहुत परेशान कर रखा है। इस बात से हम दोनों बहुत चिंतित हैं। लेकिन वो समस्या तो हम पहले ही दूर कर चुके हैं। हाँ रानी पर, लेकिन हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस वक्त भयंकर परी के पास उसका दंड नहीं था। सोचिए, अगर भयंकर परी के पास उसका दंड होता तो क्या होता? आप दोनों चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी नहीं मिलेगा। रानी परी सोचिए, जो भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से आजाद हो सकती है वो अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए हमें ये लगा कि हम आपको यहाँ पर आकर कहें कि आप उस दंड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दीजिए जहाँ भयंकर परी कभी ना पहुंच पाए, या फिर उस दंड को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। हमने भयंकर परी के दंड को पहले से ही सुरक्षित जगह में छुपा रखा है। अच्छा रानी परी, कौन सी सुरक्षित जगह? वो जगह परीलोक में ही है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। हाँ रानी परी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगह है जो विराम, इससे ज्यादा आप दोनों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दोनों जाइए और चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी वापस नहीं मिलेगा। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। ये बल्लू तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है, तो फिर ये बालवीर कैसे हो सकता है? बालवीर, बालवीर, है नहीं चिल्लाना तुम्हें बालवीर बालवीर बल्लू डल्लू, बल्कि है तुम्हें बनना बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। तौबा तौबा, तुम्हारी आज खैर नहीं। कहानी मैंने इस बार झूठ करो मेरा विश्वास। चुप। अगर ये बल्लू ही बालवीर होता तो अब तक क्या खड़ा रहता, बल्कि किसी एकांत जगह पर जाता और बालवीर बनकर ये आ चुका होता। लेकिन ये तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है। चलो भयानक लोग, फिर तो मैं सजा दूंगी। नहीं नहीं, करो मत आप ऐसा, मैं बालवीर, बालवीर! जाओ। क्या कहा? मैं कह रहा था वो देखो है ज्यादा बल्लू बालवीर बनने। चलो काम भयानक लो। अरे बेवकूफ, बल्लू के पीछे। नाराज, हम यहाँ पर क्यों आए? भयंकर परी का जादुई दंड ढूंढने तरास। इतनी मेहनत अगर हमने अपनी शक्तियों को पाने के लिए की होती ना, तो हमें कब की हमारी शक्तियाँ मिल जाए? और वैसे इस भयंकर परी का तो कोई भरोसा भी नहीं। भरोसा तो परियों का भी नहीं है। कितनी बार हमने इनसे कहा है कि हमें हमारी शक्तियाँ वापस दे दो, पर ये है कि इन्हें तो कुछ सुना ही नहीं देता। तो ये भयंकर परी कौन सी कम विश्वासघात, एक बार अगर इनका मतलब हमसे निकल गया तो हमें पूछेंगी भी नहीं।
एक बात याद रखो तरास, कि हम भयंकर परी से दोस्ती सिर्फ अपने फायदे के लिए रखते हैं। ये तो रानी परी है जो हमें हमारी शक्तियां नहीं दे रही, और इसीलिए हमें उनसे अपनी ये शक्तियां छीननी पड़ रही। अच्छा वो तो ठीक है नाराज, लेकिन अब हम भयंकर परी के दंड तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं तरास। याद है रानी परी ने क्या कहा था? कि भयंकर परी का जादुई दंड ऐसी जगह है जहाँ पे उसे कोई नहीं देख सकता, और पूरे परीलोक में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। यानी ये मायावी पर्वत है। लेकिन नाराज हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं, तो हम उस अदृश्य मायावी पर्वत को कैसे ढूंढ पाएंगे? इससे तुम्हारा राज मेरे सामने खुलने ही वाला है बालवीर। तुम्हारे बालवीर बनते ही तौबा तौबा की बात सच साबित हो जाएगी। उसके बाद अगली बार जैसे ही तुम वापस शक्तिहीन बल्लू बनोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यहाँ कोई नहीं, अब मैं बालवीर बन जाता हूँ।